ओप्पो रिनो 3, फिर आया ओप्पो रिनो 3 प्रो और अब आने वाला है ओप्पो रिनो 5। जी हाँ, ओप्पो रिनो सीरीज के अंदर एक लेटेस्ट मोबाइल फोन। मतलब आप लोग सोचेंगे भाई ओप्पो रिनो 3 के बाद ओप्पो रिनो 4 क्यों नहीं आया, 4 नंबर कहाँ गया? तो वैसे बात ऐसी है कि भाई चाइना के अंदर जो 4 नंबर है ना, उसे थोड़ा बहुत मनऊस या अपशगुन टाइप का, या वो एक और वर्ड होता है वो अशुभ टाइप का समझा जाता है। अब प्रोनाउंस अगर गलत किया तो खैर जाने देना। खैर बात यह है कि चाइना के अंदर 4 नंबर को ना थोड़ा मनऊस टाइप का समझा जाता है, इस वजह से ज्यादातर कंपनीज 4 नंबर को थोड़ा छोड़ देती हैं। लेकिन अगर Xiaomi की तरफ देखा जाए तो शायद Xiaomi जैसी चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करता, क्योंकि Xiaomi की तरफ से आप लोगों को Redmi Note 4 देखने को मिल जाता है तो वो कहता है भाई जान दो, जैसा चल रहा चलने दो। और अगर सबसे पहले इसके लॉन्च डेट की बात कर लीजिए तो इस पोस्ट को देखने के बाद आपको कुछ अंदाजा हो सकता है कि ये मोबाइल फोन मिड ऑफ मे आप लोगों को चाइना के अंदर लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। बट एक चीज है जो यार मुझे थोड़ी बहुत अच्छी नहीं लगती, मतलब आजकल वो चीज ज्यादा ही चलती जा रही है। मतलब अगर Realme की तरफ देखा जाए तो Realme की तरफ से आप लोगों को मतलब हर महीने बाद कोई एक मोबाइल फोन देखने को मिलता है, या इवन एक महीने के अंदर आपको एक से दो मोबाइल फोन भी देखने को मिलते हैं। मतलब Realme 5, Realme 5i, Realme 5s, फिर Realme 6, Realme 6 Pro और पता नहीं कैसे कैसे मोबाइल फोन। तो देखने को यही लग रहा है कि यार जो Oppo है ना, अब वो भी इसी लाइन पर चलने वाली है। मतलब अगर इस चीज को डिस्कस किया जाए ना, तो जितनी मोबाइल फोन इंडस्ट्री है वो हर एक महीने के अंदर अपना एक या दो मोबाइल फोन मार्केट में जरूर लॉन्च करते हैं, जो कि अजीब सी चीज बनती जा रही है। और इसको देखा देखिए अब Xiaomi भी बीच में पड़ गया है, Vivo भी पड़ गया है, और इवन Samsung भी इसमें आ गया है। मतलब Samsung तो आप लोगों को Samsung M30, M30s, M31, मतलब एक ही सीरीज के अंदर इतने सारे मॉडल जो 30 के नंबर के अंदर ही आपको देखने को मिले, और इवन डिफरेंस भी इतना ज्यादा कि आपको देखने को ना मिले, तो अजीब सी चीज हो जाती है। और असल में बुरा लगने का मकसद बेसिकली यही है कि ये चीज ना यूजर को डाइवर्ट कर देती है। मतलब यूजर को पता नहीं चलता कि भाई मैं इस टाइम मार्केट में जाके किस मोबाइल फोन को परचेज करूं। मतलब आज अगर आप लोगों ने एक मोबाइल फोन को परचेज किया तो एक हफ्ते बाद आप लोगों को मोबाइल फोन लगना लगेगा कि भाई इतना पुराना मोबाइल फोन हो गया। मतलब उसी प्राइस रेंज के अंदर इतने अपग्रेडेड स्पेक्स आप लोगों को किसी और मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो यूजर को थोड़ा बहुत वो होता है कि शायद मेरा मोबाइल फोन ना बहुत बेकार हो चुका है। एक्चुअल में बेकार नहीं हुआ होता, लेकिन कंपनीज ऐसा प्रिटेंड करवाती हैं जस्ट नंबर्स की गेम खेल के, क्योंकि परफॉर्मेंस में इतना कोई आपको डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। अच्छी चीज उस सिनेरियो में है कि भाई आपको टेक्नोलॉजी एडवांस देखने को मिलती है, लेकिन कम टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है जितना ज्यादा नंबर शो किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज को थोड़ा बहुत कम करना चाहिए, एक महीने में कम से कम एक कंपनी की तरफ से फेक मोबाइल फोन आना चाहिए, या कम से कम दो महीनों में। खैर अगर वापस से ओप्पो रिनो 5 की तरफ आए तो यार यहाँ पे क्योंकि अभी तक इसकी लॉन्च डेट सामने आई है, स्पेक्स तो एक्यूरेट अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन अगर डिस्प्ले की बात कर लीजिए तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि चाइना वर्जन के अंदर आप लोगों को इस दफा वाटरफॉल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। लेकिन अगर पाकिस्तानी वर्जन का ओप्पो रिनो 5 की बात कर लीजिए तो यार यहाँ पे आपको काफी हद तक डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब डिफरेंस क्यों देखने को मिलेगा, रिसेंटली अगर ओप्पो रिनो 3 प्रो की बात कर लीजिए तो यार ओप्पो रिनो 3 प्रो जो चाइना के अंदर आपको देखने को मिलता है, दैट वन मच पावरफुल देन ओप्पो रिनो 3 प्रो पाकिस्तानी वर्जन, क्योंकि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के लिहाज से वैसी चीज नहीं देखने को मिलती। अगर सबसे पहले कंपैरिजन में डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो ओप्पो रेनो 3 प्रो चाइनीज वर्जन के अंदर आप लोगों को एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तानी वर्जन में आप लोगों को एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है। चाइनीज वर्जन के अंदर आप लोगों को प्रीमियम फील देखने को मिलती है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन पाकिस्तानी आप लोगों को एक प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है जो इतनी ज्यादा प्रीमियम नहीं लगती। और इवन कैमराज के अंदर भी डिफरेंस कर दिया गया था ओप्पो की तरफ से। मतलब चाइनीज वर्जन का ओप्पो रेनो 3 प्रो के अंदर फ्रंट साइड पर आप लोगों को सिंगल पंचोर कैमरा सेटअप देखने को मिलता था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को ड्यूल पंचोर कैमरा सेटअप देखने को मिलता था, जो कि 44 मेगापिक्सल का कैमरा था और जिसे बड़ा हाइप दिया गया था कि दुनिया का पहला 44 मेगापिक्सल का पंचोर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है। लेकिन लोग इस चीज को देख के खुश हो रहे थे कि भाई ड्यूल पंचोर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, चाइना वर्जन से ज्यादा अच्छी चीज देखने को मिल रही है। लेकिन एक्चुअली उन्हें यह नहीं पता था कि भाई जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वो कम क्वालिटी का देखने को मिल रहा है, इवन बहुत ही ज्यादा कम क्वालिटी का देखने को मिल रहा है। मतलब अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो चाइनीज वर्जन के लिए आप लोग को स्नैपड्रैगन 765 देखने को मिलता था, जो कि 5G वर्जन का प्रोसेसर था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता था। लेकिन अगर गेम से पाकिस्तान की बात कर लीजिए तो MediaTek का Helio P95 प्रोसेसर देखने को मिलता था। अब अगर इन कंपैरिजन स्नैपड्रैगन 765 की बात करूँ तो भाई बिल्कुल भी अच्छा प्रोसेसर नहीं था, क्योंकि स्नैपड्रैगन 765 एक बहुत अच्छा प्रोसेसर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। और पता नहीं मुझे चीज समझ नहीं आती कि कंपनीज इतने अच्छे फीचर्स डाल देने के बाद मोबाइल फोन के अंदर इतना फारिग किस्म का प्रोसेसर क्यों यूज कर लेती है। एंड अगर प्राइसिंग की बात करिए तो भाई प्राइसिंग में कोई काम नहीं थी, प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा लगाई गई थी। मतलब पाकिस्तान के अंदर ये मोबाइल फोन आपको तकरीबन 70,000 की प्राइस सेगमेंट के अंदर देखने को मिलता है। वेल अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई मैं ये सारी चीजें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, तो वेल सीधी सी बात है कि भाई ओप्पो रिनो 5 के अभी तक कंफर्म स्पेक्स तो मार्केट में आई नहीं है। और अगर हम लोग ओप्पो रिनो 5 के स्पेक्स को एक्सपेक्ट कर लेते हैं तो भाई ओप्पो की तरफ अगर देखा जाए तो ओप्पो कहेगी ना भाई ना, हम तो ओप्पो वाले हैं, उल्टा काम करना तो हमारी फितरत है। तो हो सकता है कि जो हम लोग यहाँ पे स्पेक्स को एक्सपेक्ट करेंगे ओप्पो
अगेन से कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना के पाकिस्तान में फिर से भेज देगी। और इवन पाकिस्तान का नहीं, इंडिया के भी यही हिसाब है। मतलब इंडिया पाकिस्तान में जो आपको मोबाइल फोन देखने को मिलते हैं वो सिमिलर ही देखने को मिलते हैं, जैसा दोनों कंट्रीज में एक जैसे मोबाइल फोन आते हैं, लेकिन चाइनीज वर्जन इन दोनों कंट्रीज से हमेशा डिफरेंट होता है। वेल अगेन से अगर चाइनीज वर्जन को एक्सपेक्ट किया जाए तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि वाटरफॉल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और प्रोसेसर के अंदर आप लोगों को इस दफा फिर से स्नैपड्रैगन 765 देखने को मिलेगा, जो कि अपर मिड रेंज का एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। प्राइसिंग की अगर बात करिए तो भाई सीधी सी बात है, अभी तक हम लोग स्पेक्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो प्राइसिंग को तो दूर की बात है, तो अभी किसी किस्म की प्राइसिंग तो सामने आई नहीं है, क्योंकि अभी इनिशियल रूमर्स वगैरह आएंगे, फिर आगे स्पेक्स वगैरह पता चलेंगे। और अगर लॉन्च वगैरह की बात करूँ तो मई में आपको चाइना के अंदर लॉन्च होता हुआ देखेगा, और पाकिस्तान के अंदर चांसेस है कि जून जुलाई में जाके मोबाइल फोन लॉन्च होता हुआ देखेगा। ड्यू टू लॉकडाउन ऑलरेडी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह रुकी हुई है, और इतनी जल्दी आपको अभी मोबाइल फोन लॉन्च होता हुआ नहीं देखेगा। वेल अभी तक ये सारी चीज़ें थी ओप्पो रिनो 5 को लेके, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अभी तक करना बेकार चीज़ है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत डिटेल बता दूँ कि भाई एक्सपेक्टेशंस क्यों यहाँ पे ओप्पो के लिए लेके ख़राब हो जाती हैं। वेल अब तक ये सारा था, अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और खैर आप लोगों का क्या ओपिनियन है ओप्पो के इस रद्द अमल के बारे में कमेंट में जाके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं। मैं तो फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट किसी डिस्ट्रीब्यूट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।